वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंस सो गाइज अगर पिछला ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो पिछला ब्लॉग देख लीजिए पार्ट वन इसी का बेबी शॉर प्रोग्राम का uh, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चल रहा है कैसे तैयारियाँ हुई है तो यहाँ पर डेकोरेशन सारा हो चुका है और uh, आनंद और कल्याणी बैठ गए हैं यहाँ पर और कॉलोनी की सारी लेडीज़ भी आ गई थी तो कॉलोनी की लेडीज़ भी आगे बैठी थी और प्रोग्राम स्टार्ट होने ही वाला था तो उससे पहले का ये नज़ारा है आप देख लीजिए सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ था यहाँ पर इस तरह से डेकोरेशन हुआ है डेकोरेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपको डेकोरेशन पसंद आया है क्योंकि आनंद और कलैनी को पसंद आ गया था क्योंकि उनको जैसे चाहिए था वैसे ही मिला आ, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उन्होंने डेकोरेट करके दिया और यहाँ पर लेडीज़ बैठ गई है कॉलोनी के आके और बस अभी बेबी -बे शॉर का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है थोड़ा सा वो होता है स्वीट वगैरह निकालता है मतलब जो होने वाली मदर है वो स्वीट पे हाथ रखती है और उसे पता चलता है बोलता है कि उम, कौन बेबी गर्ल होने वाली है बेबी बॉय होने वाला है तो यहाँ पर सबके अहर बोलते हैं ना वो चढ़ रहा है हम लोग बाद में करेंगे जैसे कि मैं आ, मेरी मासी वो बाद में करेंगे अभी थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है सबको देने की जल्दी है तो इसीलिए सब दे रहे हैं यहाँ पे अहर किसे बोलते हैं वो भी सबसे पहले आपको बता दूँ जैसे कि हम लोग जो गिफ्ट देते हैं आनंद और कल्याणी के लिए हम लोगों ने जो कपड़े लिए थे वो दिए जाते हैं उसे अहर बोलते हैं तो वो हम लोग दे रहे थे जैसे कि घर वाले ही सबसे पहले कल्याणी के साइड के जो लोग हैं जैसे कि उसकी मासी मामी उसकी मम्मी ये सब लोग उसको अहर दे रहे थे उसके बाद हमारे साइड के देंगे मतलब जैसे कि आनंद के साइड के और फिर जो कॉलोनी वाली लेडीज़ हैं उन्होंने जो लाया है उनके लिए गिफ्ट वो देंगे जैसे कि कोई कुछ गिफ्ट लाता है कोई ये ब्लाउज़ पीस देता है उसमें पैसे डाल के ऐसे देते हैं तो हमारे साइड में यही होता है आपके साइड में कैसे कैसे बेबी शॉर का प्रोग्राम होता है कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे बस यहाँ पर वो लेना देना ही चल रहा है और उसके बाद फ़ोटोशूट वगैरह होगा तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसी वजह से कल्याणी परेशान थी आप देख ही रहे हो उसके फेस की तरफ बस ये ज़्यादा भीड़ निकल जाए उसके बाद हम लोग फोटोशूट करेंगे एक्चुअली लेडीज़ फिर ये सब देख के नीचे चली गई थी खाना खाने के लिए कॉलोनी वाली लेडीज़ और उसके बाद हम लोगों ने ऊपर केक कट किया फ़ोटो शूट किया ये सब कुछ फिर ऊपर बाद में हुआ क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है तो बहुत जल्दबाजी होती है मतलब लेडीज़ आ जाती है उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है तो ये सब कुछ होता है तो इसी वजह से थोड़ा सा हॉल खाली होने दिया जो ऊपर का हॉल था और उसके बाद हम लोगों ने घर वालों ने फ़ोटोशूट और उसके बाद केक कट करना ये सब कुछ किया हे गाइस काफ़ी देर हो गई आपसे बात ही नहीं करना हुआ और मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ आपको लुक भी नहीं दिखाना हुआ मेरा क्योंकि इतनी जल्दबाजी हो गई थी सब लेडीज़ वगैरह आ गई थी तो इसी वजह से बहुत जल्दबाजी हुई और आपसे बात नहीं करना हुआ बस इस तरह से रेडी हुई हो थोड़ी देर के बाद आपको फुल लुक दिखाती हूँ और वहाँ पर क्या चल रहा है बाहर वो भी दिखाती हूँ आपको जो भी वहाँ पर होगा वो मैं वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगा आपको इतना ज़्यादा शोर हो रहा है अभी ये प्रोग्राम जब ख़त्म होगा ना उसके बाद नीचे जाएंगे नीचे खाना खाएँगे मेनू क्या होगा वो भी आपको बाद में बताऊँगी और लुक भी आपको बाद में दिखाऊँगी तो यहाँ पर जो मैंने अहर लिया है मतलब जो गिफ्ट लिए है कल्याणी और आनंद के लिए वो दिखा देती हूँ आपको ये जो डब्ल्यू का कुर्ता है उसी की पसंद का है उसने मुझे लिंक सेंड किया था तो मैंने ये अमेज़ॉन से उसको परचेज़ करके दिया था मतलब उसके लिए अहर लिया था और ये ब्रांडेड कुर्ता है डब्ल्यू का और उसके नीचे मैंने ये गोल्डन कलर का उसके लिए स्ट्रेट पैंट लिया है ये भी कल्याणी के चॉइस का ही है और इसके बाद यहाँ पर जो आनंद के लिए लिया है वो दिखा दूँ आपको ये भी आनंद की चॉइस का ही है मतलब कल्याणी और आनंद की चॉइस का मैंने उनको बोला था कि आप जो भी पसंद आता है आपको लिंक सेंड कर दो मुझे मैं आपके लिए ले, ले लेती हूँ तो ये यू पोलो का है ये भी ब्रांडेड शर्ट है क्योंकि अभी उसको ऑफिस वगैरह में वेयर करने के लिए अच्छा रहता है ऐसे शर्ट तो इसी वजह से उसने वैसे शर्ट लिए और ये यू पोलो का ही ये है डेनिम है तो वो लिया है उसने ब्लैक कलर का डेनिम और ब्लैक कलर का शर्ट चेक्स का ये जो कपड़े आप देख रहे हो वो दोनों के भी चॉइस के है उनको पसंद आए थे इसी वजह से मैंने उनके लिए ले लिए और हाँ अगर आपको देखना है ये कितने के है क्या है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो और अभी अमेजोन पे सेल चल रहा है तो आपको अगर लेने हैं तो आप सेल का फायदा उठा सकते हो मैंने इनका सेपरेट सेपरेट लिंक भी दे दिया है और एक माय हॉल स्टोर का लिंक भी दे दिया है आपके लिए आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे साइड में इस तरह से सब कुछ रखा जाता है अनार से और उसके बाद ये लड्डू मोतीचूर के मोतीचुर के मतलब वही पूरीओं के लड्डू नहीं बनाए थे मम्मी ने बेसन के वो उसके बाद फ्रूट्स रखे जाते हैं उसके बाद मिठाइयाँ बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह रखती रखी जाती है चकली गुजिया और यहाँ पर फ्रूट्स है सारे यहाँ पर जो भी मिठाइयाँ चाहिए वो रखी जाती है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी जाती है यहाँ पे आप देखिए लोग कैसे कैसे डेकोरेशन किया है उसके बाद कृष्ण भगवान रखे जाते हैं ये टेबल डेकोरेशन है और यहाँ पर केक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए मुझे मुझे तो बहुत पसंद आया था कल्याणी ने और आनंद ने उनकी चॉइस से ये थीम केक बनवाया था एक्चुअली उनका थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था मुझे पता नहीं था कि उन्होंने कौन सा ऑर्डर दिया था बट वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने बना के दिया है शायद उन्होंने बनाना नहीं आया या पता नहीं क्या हुआ बट आ, हमें तो बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट आ उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट आ बट ठीक है यार मतलब होता है कभी कभी उनको नहीं बनाना आया होगा इसी वजह से उन्होंने ऐसा बना के दिया होगा तो ये यहाँ पर बेबी बॉय और बेबी गर्ल लगाया था बहुत अच्छा लग रहा था डेकोरेशन वगैरह और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ आपको कैसा लगा ये भी बताइए मुझे यहाँ पर सब लोग बैठे हैं बस केक कट करने के टाइम हम लोग घर वाले ही थे मतलब कल्याणी के साइड के थे हमारे साइड के थे अनंत के साइड के तो यहाँ पर सभी घर वाले ही है उसके बाद फ़ोटो सेशन होगा यहाँ पर फोटोग्राफर फ़ोटोज़ ले रहे हैं उसके बाद उनका फ़ोटोशूट भी होगा वो भी देख लेना आप बहुत अच्छा फ़ोटोशूट वगैरह भी हुआ था उनका उस टाइम हम लोग नहीं थे नीचे गए थे थोड़ा सा उनको भी मेहमान वगैरह को भी देखना पड़ता है तो इसी वजह से तो इन्होंने फोटोशूट जो किया वो आपको बाद में दिखाएंगे हम लोग जब फोटोग्राफर वीडियो देंगे ना हमें तो वो वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे वो आप देख लेना सिनेमैटिक वीडियो जो होता है उसमें आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा क्या क्या हुआ था इसके अलावा मतलब इन वीडियो के अलावा क्या क्या हुआ था वो आपको उसमें पता चल जाएगा और यहाँ पर मामी और मासी मेरी ऐहर कर रही है वही जो गिफ्ट देना होता है वही हो रहा है यहाँ पर नीचे सब लोग बैठे हैं ये दीपाली के पापा और दीपाली के भाई के साथ बैठे हैं और उसके बाद आ, सब लोग बाहर लेडीज़ खाना खा रही है मेनू में क्या क्या है वो बता देती हूँ आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ये सलाद रखा है उसके बाद आ, परोठे थे घी लगा के और उसके बाद ये है आ, जीरा राइस उसके बाद दाल है तड़के वाली उसके बाद ये आ, क्या है सब्जी आ बैगन की सब्ज़ी है रस्से वाली और मूंग पकौड़े हैं उसके बाद ये मोतीचूर के लड्डू है जो बना के आपको दिखाए थे पापड़ है फ्राई किए हुए उसके बाद ये रस मलाई है और फिर क्या है दही बल्ले है जो दही बड़े भी कोई कोई बोलता है दही बल्ले दही बड़े और ये सारी चीज़ें हैं तो ये है आज का मेनू और सब लोग खाना खा रहे हैं अभी मतलब जो यहाँ के लेडीज़ हैं वो खाना खा रही है कॉलोनी वाले पहले खाना खा के चले गए थे फिर हम लोग बाद में घर वाले रह गए थे वैसे कल्याणी के साइड के जो थे मतलब मेहमान वो भी खाना खाने के लिए आ गए थे नीचे क्योंकि उनको भी जाना था कल्याणी के साइड के मेहमान तो रात को ही निकल गए थे खाना वगैरह खा के मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद रात को ही निकल गए थे यहाँ पर ये कॉलोनी के लेडीज खाना खा रही है अंदर भी कुछ लेडीज़ है जो खाना खा रही है मतलब कुछ अंदर बैठी थी कुछ बाहर मंडप डाला था उसमें बैठी थी और बस वही खाने का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर और ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ोटो सेशन कैसा हुआ है फ़ोटो सेशन बहुत बढ़िया हुआ था जब फ़ोटोज़ आएंगे तब आपको एल्बम भी दिखा दूंगी और सिनेमैटिक वीडियो जो आएगा वो भी दिखा दूँगी बहुत अच्छा लगेगा आपको वो भी देख के क्योंकि अभी आपने तो बिहाइंड द सीन देख ही लिया है बट जो फोटोग्राफर शूट करते हैं प्रॉपर एंगल से और वो सब कुछ आपको उसके बाद देखने के लिए मिलेगा तो बस गाइज इसका वेट करना जल्दी से आपको वो देखने के लिए मिली जाएगा और आपको प्रोग्राम कैसा लगा यार कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे मुझे भी अच्छा लगे कि आपको प्रोग्राम पसंद आया है ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था बट घर के अंदर ही मतलब कॉलोनी वालों को थोड़े से बुलाया था हम लोगों ने और बट जो घर वाले थे वो थे और कुछ मेहमान थे जैसे कि कल्याणी के साइड के और हमारे साइड के कुछ पास पास के मेहमान थे वही थे तो बस इतने ही लोगों हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया और वैसे बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम अगर ये लॉकडाउन का और ये करोना का प्रॉब्लम नहीं होता हम लोग प्रोग्राम थोड़ा सा हॉल में करते मतलब हॉल वगैरह बुक करते उसके लिए घर में भी बहुत अच्छे से हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और बहुत अच्छा लगा सबको मतलब सब लोग एक साथ आए इतने दिनों के बाद तो बहुत अच्छा लगा भाई के शादी के बाद अभी आए थे सब लोग एक साथ और इतने लोगों को नहीं बुलाना हुआ बट जो भी आए थे उनको बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर मम्मी पापा का आनंद और कल्याणी के साथ फोटो सेशन हो रहा है उसके बाद अभी आनंद के मम्मी पापा हो गए मतलब हमारे मम्मी पापा हो गए उसके बाद अभी कल्याणी के मम्मी पापा और सिस्टर है ये बीच में उसके घर वाले हैं और उसके बाद फिर हम हैं यहाँ पर सब लोग कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए यार और उसके बाद कल्याणी और आनंद भी बहुत अच्छे लग रहे थे और हम मतलब मेरा तो लुक आपने पहले ही देख लिया है म, मेरा भी लुक आपको कैसा लगा वो भी जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे उसके बाद ये इन दोनों बहनों ने क्लिक किया था फोटो ये मेरे भाई की बेटी है और माँ है उसके बाद विवेक और दीपाली इन दोनों का उनके साथ फोटो सेशन हुआ और ये हाथ में क्या लिए है वो भी आपको बता दूँ ये यहाँ पर विवेक के हाथ में है काका होनार मी काका होनार उसके बाद मी बाबा होनार ये आनंद के हाथ में कोनी तरह एनार एन ग आई और काकू मीन्स चाचा आ, मम्मी पापा और चाची ये ऐसे लिखा है मराठी में वो और ये यहाँ पर इंग्लिश में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा लेकिन मराठी में ये क्या लिखा है ये काका है मतलब चाचा उसके बाद आई बाबा मीन्स मम्मी पापा और कोनी तरी एन आर एन आर गर्व कोई तो भी आने वाला है तो ये है ये ओट फॉर गर्ल ओड फॉर बॉय ये सब ऐसे लेके खड़े थे सब लोग और ये फोटो सेशन इसी तरह से होता है इस टाइम में मतलब बेबी शॉर के प्रोग्राम में और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था जिस दिन प्रोग्राम था ना उस दिन तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये दोनों मेरे बड़े पापा की बहु है भाबियां है मेरी तो ये बर्फी और पेड़ा लेके खड़ी थी मतलब बर्फी मीन्स लड़की होने वाली है और पेड़ा मीन्स लड़का होने वाला है उसके बाद ये मामा मामी है मेरे जो आजी और आजोबा लेके खड़े है मतलब मी आजी होनारानी मी आजोबा होनार मींस मैं दादी होने वाली हूँ और मैं दादा होने वाला हूँ और ये मेरी मासिया है दोनों जो आजी आजी का लेके खड़ी है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और कल्याणी और आनंद कैसे लग रहा है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे बस तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सब लोगों का फ़ोटो सेशन ख़त्म हुआ और उसके बाद मतलब इससे भी ज़्यादा हुआ था बट मैं इतना ही शूट कर पाई उसके बाद यहाँ पर उन दोनों का फोटो सेशन चल रहा है ये इस तरह से फ़ोटो सेशन होता है मतलब बान लेके और उसके बाद इस तरह से बान मारना और उसके बाद ये चांद के पास जो मैंने चांद दिखाया था आपको पिछले ब्लॉग में और हाँ आपने पिछला ब्लॉग अगर नहीं देखा है तो जल्दी से वो ब्लॉग देख लीजिए मतलब आपको डेकोरेशन पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हुआ था और सब कुछ आपने जो सुबह किया था वो सब कुछ आपको उस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा हो जाने के बाद लास्ट में ये कल्याणी का फोटो सेशन हो रहा है तो ये आपको मतलब एल्बम ही दिखा दूंगी मैं जब एल्बम आएगा तो उसके बाद आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा कि फ़ोटोज़ कैसे आया है वीडियो कैसे आया है सब कुछ आपको उसके बाद देखने के लिए मिलेगा तो गाइज़ मैं इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया बस वो शूट नहीं कर पाए तो मिलती हूँ आपको अच्छे से नए ब्लॉग अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना लाइक करने में कंजूसी मत करना सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय